देश में इस वक्त राम मंदिर की चर्चा हो रही है और इस चर्चा के बीच हम भी आप पहुंचे हैं अयोध्या। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, आपको बता दूं, यह अयोध्या कैंट का रेलवे स्टेशन है और आप देखेंगे कि यहां पर ट्रेनों का जो आवागमन है वो सुचारू रूप से जारी है। यहां पर ठंड काफ़ी है, लेकिन इस ठंड के बीच भी जो काम है वो तेज़ी से किया जा रहा है। और यहां पर हम पहुंचे हैं, हमने कल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के बीच जो चलने वाली ट्रेन है अयोध्या एक्सप्रेस, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई और करीब 6:20 में हमारी ट्रेन थी और ये 2 घंटे ट्रेन लेट रही ठंड की वजह से और हम यहाँ पर 9:30 बजे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से हम राम मंदिर जाएंगे और राम मंदिर की यात्रा कैसी होगी, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा जो दिल्ली या दिल्ली से बाहर के लोग हैं जो अयोध्या आना चाहते हैं, राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, आप कहां की ट्रेन कहां से बुक करा सकते हैं। आपको बताते चले कि अगर आप दिल्ली या दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं तो आप अयोध्या कैंट या अयोध्या जो जंक्शन है, आप अयोध्या धाम जिसे अब कर दिया गया है, आप वहां की टिकट बुक करा के, क्योंकि जिस जगह हम मौजूद हैं यहां से 11 किलोमीटर यानी कि 11 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा राम मंदिर के लिए। लेकिन अगर आप अयोध्या धाम के लिए अगर टिकट बुक कराते हैं तो वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर राम मंदिर है, यानी कि आपको इतना जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा जब अगर आप अयोध्या धाम आते हैं। लेकिन यहां से 11 किलोमीटर की दूरी है और यहां से आप कैसे राम मंदिर तक पहुंच सकते हैं, यहां पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, आपको इस वीडियो में हम अंत तक बनाएंगे। यदि आप राम मंदिर की तरफ आ रहे हैं और राम मंदिर के दर्शन करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम आपको एक एक कड़ी सुलझाते हुए बताएंगे कि राम मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे और राम मंदिर में रामलला के दर्शन कैसे करेंगे। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं राम मंदिर के अंदर दर्शन करने की, क्या टोकन व्यवस्था है और कौन कौन सी फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी पड़ेगी आपको अगर आप अयोध्या आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आप अयोध्या कैंट से हमें देख रहे हैं, यहाँ से हम आपको राम मंदिर ले चलेंगे और आगे जो रेलवे स्टेशन की आगे जो प्रक्रिया होगी वो हमको स्टेप बाय स्टेप समझाते रहेंगे। कैंट रेलवे स्टेशन से हम लोग जो हैं बाहर आ चुके हैं और हम इस गाड़ी में बैठे हैं और इस गाड़ी के माध्यम से हम राम मंदिर तक पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि जिस मार्ग से हम जा रहे हैं इसे राम पथ कहा जाता है। अगर आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहां से आप ई रिक्शा कर सकते हैं, आपको पर सवारी जो है वो 50 से 60 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप अयोध्या कैंट से अगर आप राम पथ पर आ जाते हैं तो यहां से आप 20 से 30 रुपये खर्च करके आप अयोध्या जो राम मंदिर है वहां तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अगर आप नए हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आप में ये भी सवाल होता होगा कि वहां जा रहे हैं तो वहां कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा होगा, तो इन सब की चिंता आप ना करें। आप इस वीडियो में आप हम आपको ये बता रहे हैं कि आप अयोध्या कैंट अभी अगर आ रहे हैं, मान लीजिए अयोध्या धाम का आपको टिकट नहीं मिला, अयोध्या कैंट ही आ रहे हैं, तो आपको किसी चक्कर में नहीं फंसना है। कोई आपसे अगर 1000-2000 रुपये कह रहा है कि हम आपको लेकर राम मंदिर छोड़ने वाले हैं तो आप बिल्कुल भी ना दें और आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आप आराम से ई रिक्शा कर सकते हैं, अगर आप 3-4 लोग हैं या आप सिंगल भी आ रहे हैं तो आप 50 से 60 रुपये ई रिक्शा में दे सकते हैं और आप राम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप राम पथ पर आ जाए, जो ये मेन रोड है आप देख रहे हैं, इस मेन रोड के माध्यम से आप 10 से 20 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये खर्च करके आप राम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो हमारी यात्रा यहां से शुरू है, आप इस वीडियो में हम आपको अंत तक बताते रहेंगे। फिलहाल इस यात्रा में आप हमारे साथ बने रहे। आखिरकार हम राम जन्मभूमि के पास पहुंच ही चुके हैं और आप ये देखेंगे तो यहाँ से 100 कदम की दूरी पर राम मंदिर बन रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार श्रद्धालु जो भक्त हैं और श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ अंदर
फोन ले जाना वर्जित है। अगर आप फोन, घड़ी, पर्स अगर कुछ भी ऐसा लेके आते हैं तो यहाँ पर बाहर लॉकर बनाए गए हैं, वहाँ आप अपने फोन जमा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस द्वारा जो है वो फोन अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं। हम भी ले जाना चाहते थे लेकिन हमें भी रोक दिया गया है। हालांकि आप बाहर जो है परिसर में, जब आप फिर से राम मंदिर परिसर से जब बाहर आते हैं तो अपना आप लॉकर से फोन निकाल सकते हैं और उसको फिर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको बता दें कि कुछ ही दूरी पर हनुमान गढ़ी भी है। जो लोग राम मंदिर का दर्शन करने आते हैं वो सबसे पहले हनुमान गढ़ी के पास आते हैं और हनुमान जी का दर्शन करने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद, वो यहाँ से फिर राम मंदिर, जहाँ जन्मभूमि है इनकी, यहाँ पर जिस मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो भव्य मंदिर बनना है, यहाँ पर आके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फोन लाना वर्जित है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप देश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे लोकमत हिंदी। नमस्कार।